देखिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे लिए आसान है, आप सीख रहे हो, ठीक है, आपके लिए हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, फिर भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ चल रही है यहाँ पे और किस फॉर्म से ये अपीयर हो रहा है। तो यहाँ हमने थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दिया ताकि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से दिखे। तो देखिए, ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का 0 log x का 1 by x, मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है 1 by x। तो हम लोग क्या सब्सटीट्यूट करें, लेट 1 plus log x equals to t है, तो क्या हो जाएगा, 1 का 0 log x का 1 by x dx equals to dt हो जाएगा, मतलब 1 by x dx ये dt बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, t² integral, तो ये तो काफ़ी आसान हो गया, t³ by 3 हो गया प्लस c। लेकिन t आपका डमी वेरिएबल है, t को रिप्लेस करिए आप ओरिजिनल वेरिएबल से, t क्या था आपका, t हमने एज्यूम किया था 1 plus log x, तो ये हो गया 1 plus log x की पावर 3/3 plus c, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।